जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं जयपुर आई थी, तो मैं सबसे पहले हम पहुंचे थे अपने ससुराल में। वहाँ पे हमने, क्योंकि राज के पीयू के दादा दादी का ये था कि एक बार हमें बच्चों से मिलवा के फिर चाहे, क्योंकि ये प्रोग्राम जो भी था वो था मेरे पीहर में, तो उनका ये कहना था कि फिर चाहे पीहर चले जाना बट एक बार बच्चों से मिलवा के जाओ। तो पहले हम सीधा वहाँ गए थे और उसके बाद वहाँ पर खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके काम वाम करके फिर हम शाम को आ गए थे मेरे पीहर। और यहाँ पे शाम को ये राती जगह रखा है, ये रात का ये है, मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि दिन में आते ही मैं सबसे मिलने लग गई थी और शूट नहीं कर पाई थी। फिर ये रात को जब राती जगह हो रहा था तो ये राज बना हमारे बहुत ही मस्ती करने में लगे थे, पूरा धुन पे नाच रहे थे और बहुत मज़े आ रहे थे और ये बाकी बच्चे भी काफ़ी खेलने में लगे थे। तो ये राती जगह का प्रोग्राम सारा चल रहा है यहाँ पर। व्लॉग्स और हम हैं जयपुर में, पापा के रिटायरमेंट का फंक्शन अटेंड करने के लिए आए हैं और अभी मैं और ये जा रहे हैं छोटे छोटे काम करने के लिए हमारे ही है। पहले मुझे सपना से मिलना है, उससे मैंने कोई चीज़ मंगवाई थी वो उसके पास है जो कि मुझे अभी लेनी है, प्लस एक सूट खरीदना है मम्मी के लिए और मेरी मदर इन लॉ के लिए, दोनों के लिए फाग क्योंकि आने वाला है। तो मैंने सोचा कि फाग का ही सूट लिया जाए, तो बस अभी हम वो लेंगे और उसके बाद वैशाली जाना है, कुछ चीज़ें खरीदनी है। उसके अलावा मुझे नेल एक्सटेंशन कराने थे, मेरे नेल्स के क्या बुरे हाल हो गए, सिर्फ ये दो बचे हैं और इस हाथ में भी एक बचा है, बाकी सब टूट गए और बहुत ही अब गंदा लग रहा है। तो मुझे नेल एक्सटेंशंस कराने हैं, ये सब है, बाकी बस बढ़िया, बहुत मज़े आ रहे हैं। जयपुर आते इतनी अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, कांट टेल यू, मतलब जो अपनी जगह होती है ना वो अपनी जगह होती है, जब तक हम रहते हैं तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, मतलब हम सोचते हैं और ऐसे ऐसे, बट किसी और जगह पे जाते हैं तब पता चलता है कि जो अपनी सिटी होती है ना वो अपनी सिटी होती है, ज़्यादा मज़े हमें वहीं पर आते हैं ना। कल ये भी मुझे बोल रहे थे कि यार जयपुर में घुसते ही ना अलग ही फील आ जाता है, अलग ही मज़े आ जाते हैं। मैं कहा बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है। तो बस अभी हम जा रहे हैं और ये मेरे नए गॉगल्स हैं, कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट में। और मैंने एक गॉगल्स और आए हुए थे, मैंने मम्मी को दिए, मैंने कहा मम्मी आप लगाओगे क्या, मम्मी बोलती हाँ बिल्कुल ज़रूर। तो मेरी मम्मी भी आजकल पूरे स्टाइल में आ रही है, बोलती हाँ हाँ सनग्लासेस मैं भी लगाऊंगी, क्यों नहीं लगाऊंगी। तो एक मैंने मम्मी को गिफ्ट करे। तो बस अभी हम जाके आते हैं वैशाली और फिर दिखाते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं आज पूरे दिन भर में। ये आ गई है मैडम नाइट सूट में बाहर निकल निकल के, पहले कॉल तो मेरे लो मुझसे शट अप जल्दी और सॉरी मुझे आदत पड़ गई मुझे इनके साथ रहने की, शाम को मिलेंगे ना यार, चलो रुक के अच्छे से क्वालिटी आपके अंदर है क्या, ये क्वालिटी है मेरे अंदर नहीं। हेलो हेलो सपना जी, कैसी हैं आप, बिग फैन सपना जी, बिग फैन सपना जी, कैसी हैं आप? और ये क्या नाइट ड्रेस पहन के घूम रही हो तुम मम्मी? मैं देखो गाइस, मैं बहुत सिंपल सोबर लड़की हूँ, मैं ऐसे हर जगह से फैशन हूँ, कुछ मार के नहीं जाती कुछ भी कुछ भी मैं ना चुपके, ये भी एक आर्ट है। हाँ मम्मी बोली मम्मी देख लिया कहाँ जा रही तू, इनका किरण जी जाए बाहर स्कूटी पे, मैंने कहा नहीं नहीं जूसा है। हाँ फिर सही है, जूसा मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये लड़की जब मिलती है तब भड़काती है, मतलब कभी इसके ना मतलब फ्रेंड तो ये मेरी है, बहन तो ये मेरी है, लेकिन हाथ से निकलती जा रही है, मैं आपको समझा रही हूँ, समझो प्लीज।
देखो ये सिर्फ आपको आगे से इतने बड़े लग रहे हैं, पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो थोड़े से जमाने में बॉयकट करवा लेंगे। जैसे हम मेरे भैया मुझे कल बोल रहे थे, मुझे किरण तू है ना बॉब कट करा, तेरे ऊपर इतने शानदार लगेंगे ना बॉब कट। तो मेरी फैमिली सारी ऐसी है, मैं ना बच्चे भी छोड़ कट कर देगी इसके। थोड़े दिनों में पीहू राज को छोड़ देगी, बोलेगी मैं नहीं संभालूंगी अब। कुछ पैदा ही मॉडर्न हुई थी। मॉडर्न जवाब क्या होगा पता है? क्या क्या जवाब दिया था उसे राज ने? मैं आपकी क्या कर दूंगा, वाट लगा, मैं आपकी वाट लगा दूंगा यार। पर Don't you know this? आपको नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा होती जा रही है अब? धीरे 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 आपने थोड़ी सी मतलब ऐसे इजाजत क्या दी है तो उंगली क्या पकड़ाई इन्होंने तो पूरा दबोच ही लिया आपको। मेरे को जूसा को वो देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एक घंटे दिन में फोन करके, डेली फोन करके। हाँ ये बताओ मेरे को कल तो ये अभी बोल रही है कि ना अगर मैं अपने इन लॉज के साथ रहूँ ना तो मैं सुधर जाऊँ। मेरे इन लॉज है ना बहुत ओपन माइंडेड है, समझी तुम? अब मैं इसके पीछे की सच्चाई बताऊँ, ये मेरे को बोलती है, ये बात ये पहले बोल चुकी थी, मुझे कैमरा ऑन करने तो मम्मी जी देखेंगी तो कटाने के लिए बोली है। तो वैसे भी मम्मी जी को पता है कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, ठीक है ना? सुनो सुनो बताओ बताओ मम्मी जी को पता है ना उनकी बहू बहुत अच्छी है, वो तो जूसा को ही पता है ना, और मुझे पता है मम्मी जी बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं ऐसे लेकिन वो ऐसे ही बोलते हैं बस। सच्चाई वो मैं ना जूसा तो बात नहीं मान रहे, मम्मी जी के पास ही जाना पड़ेगा दिन में। हम करवा रहे काम, सेवा करवा रहे हैं हम मम्मी के लेके आई हूँ मैं जीजा को। हाय गाइस, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मेरी नेल एक्सटेंशन वगैरह कराने गई थी, तो मैंने नेल एक्सटेंशन करा दिए और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ घर पे। और ये मैंने रास्ते में से डेकोरेशन के लिए लिए हैं फ्लावर्स, और घर से बार 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 नॉन स्टॉप कॉल आए जा रहे हैं, बहुत लेट हो गई हूँ मैं तो बस पड़ेगा अभी। सही में हाँ चेंज कर अच्छे से बना रहा है मामी सर, थोड़ा देखो तो सर आपके चक्कर के थोड़ा सा मामी सर देख तो रही हैं। देख भैया को बुलाओ, मामी देख तो इधर। तो ये घर पहुंचने के बाद की फ़ोटोज़ हैं, वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में पूरा स्टोरेज फुल हो गया था, मैंने डिलीट भी किया तो भी नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा था। तो मैंने फिर फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हस्बैंड के फ़ोन से, मैंने कहा फ़ोटोज़ ही क्लिक करो सिर्फ, क्योंकि फ़ोटोज़ वैसे भी चाहिए थी। तो मैंने कहा वीडियो तो नहीं बन पाएगा, बट या हमने सिर्फ फ़ोटोज़ खींची फिर। और आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी फैमिली वाले भी थे, भैया के स्टाफ वाले भी थे काफ़ी, ये लोग भैया के स्टाफ के हैं, बड़े भैया हैं, छोटे वाले भैया भाभी सा हैं, देन हम दोनों हैं, मेरे इन लॉज़ की फैमिली, मेरे देवर भी आए थे, वो भी अगर फ़ोटो होगी तो मैं अटैच करूँगी, देन ये जोधा सर, सपना, ट्विंकल चीज एन कुणाल जी सब आए थे। मतलब बहुत अच्छा लगा, सब आए और सब ने मतलब आके इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने काफ़ी देर बैठ के गप्पे शप्पे मारी, बातें बातें करी, काफ़ी इधर उधर की, यहाँ वहाँ की, सब जगह की, फिर खाना वाना खाया, फिर मेरे इन लॉज भी निकल गए थे, जोधा सर वगैरह, सपना, ट्विंकल जी जा सब निकल गए थे। फिर बस वही हम लोग रात के 2 बजे तक बैठ के गप्पे मार रहे थे सबके साथ और खूब इंजॉय किया क्योंकि अगले दिन वापस से हमें आना था। तो वही व्लॉग
और अभी ना ये आंटी आई है। कौन है ये आंटी? पता क्या आप जानते हैं? हेलो, क्या आप मुझे जानते हैं? Nope. हम तो नहीं जानते. आप लोग नहीं जानते, बट ये पब्लिक मुझे जानती है. और अभी ना मम्मा शूट करेगी, तो देखो मम्मा क्या खिलाई. चलो करें. ये देखो, ये इसमें दो मेरी बॉटल आई थी जो मम्मा ने रख दिया. अच्छा. और मेरे को टेडी बहुत पसंद आया, क्यूट सा. मम्मा ने बोला शूट की बात तो ले लेना. मैं जैसे नीचे करें. कैसे हो? बस बढ़िया. कंग्रेचुलेशन. थैंक यू. ओ वाओ, थैंक यू सो मच. अब आप ना यहाँ से पास में ऐसे आना, है ना. बस तो बस हमने ये शूट किया था, फिर मोना जी भी निकल गए थे, इनको भी कहीं जाना था, तो हम 2-3 घंटे साथ में थे, थोड़ी बहुत बातें करी, साथ में खाना वाना खाया, फिर वो निकल गए थे. और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग भी सुबह जल्दी अराउंड 5:30 or 6 हम लोग वापस अहमदाबाद के लिए निकल गए थे. ये हम रास्ते में रुके थे, एक बहुत ही अच्छा सा होटल है वहाँ पे, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं शूट कर लेती हूँ यहाँ पे. कुछ कुछ छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स ली थी, मैंने सोचा रील बनाऊँगी, बट लेट्स सी. वो तो अभी तक नहीं बनाई है मैंने, बट हाँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड कर रही हूँ. तो जगह बहुत प्यारी है, गढ़ गणेश ऐसे कुछ नहीं, गढ़ गिरुवर हाँ, गढ़ गिरवर के नाम से ये है होटल. बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है. दिस इज़ द होल लुक. सो दिस इज़ द होल वीडियो. कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.